जो आपका टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, हम ट्रेनिंग किसी ना किसी बिजनेस के लिए करते हैं, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है, राइट? आप बिजनेसेस को अगर देखें तो बिजनेसेस के अंदर भी आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है, आपको उनका कुछ सिस्टम नज़र आता है, कोई प्रोसेस नज़र आता है, कोई प्लानिंग नज़र आती है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो स्ट्रक्चर ना हो, जिसमें हायरार्कीज ना हो, जिसमें प्रोसेस डिफाइन ना हो, एसओपीज ना बने हो, हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड होती है। जो जितनी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उतनी वो ग्रो करती है। आप देख लें, शायद आप लोग में से ज़्यादा तजर्बे लोग भी बैठे हुए हैं, आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम हैं जो पाकिस्तान से बाहर अपने फुटप्रिंट्स बना पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे जो सेठ साहिबान हैं अभी तक उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर नहीं किया कम्प्लीटली। वो स्टैंडर्ड जो चल रहा है बस चल रहा है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इंटरनेशनल उनको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन आपके कंट्री में ही कितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। टेलीनॉर की एग्जांपल ले लें, 3.2 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी FDI है पाकिस्तान के अंदर। ये भी मुझे लास्ट वीक पता चला, मैंने उनके CEO के साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जो 24 को ऑन एयर होगा, 24th संडे को, तो उसमें चीज़ें बताई बड़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन क्या पाकिस्तान से बाहर हम कितने लोग जा पा रहे हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक छोटी चीज़ है कि हमारी प्रोडक्ट्स बाहर जा रही हैं, क्या हमारी कंपनी कोई मल्टीनेशनल हो सकी है? और उसकी अगर आप रीज़न देखेंगे ना तो आपको जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं ना वो स्ट्रक्चर नज़र आएगा। स्ट्रक्चर नहीं है, SOPs नहीं है, क्योंकि आपने कुछ चीज़, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को मल्टी जगहों पे लेके जाना है, डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो आपने वहाँ पे उसको डिसेंट्रलाइज करना। डिसेंट्रलाइजेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक उसका कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं हुआ होगा। वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन वाला काम जो है ना वो आपको नज़र नहीं आएगा, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल नहीं जा सकती कि सारी चीज़ें ऑटो हो जाएं, किसी ने कोई काम कैसे करना है वो सारा डिफाइंड हो। तो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हैं। जैसे मैं इस पर एक एग्जांपल देता होता हूँ अपने आप को पहचानने के लिए कि इंसान की जो बायो में कितने लोग हैं यहाँ पे, ओके, इंसान की बर्थ कितने क्रोमोसोम से होती है? 46 क्रोमोसोम से, 23 मेल के होते हैं, 23 फीमेल के होते हैं, और इन 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर मेरी और आपकी लाइफ प्लान्ड होती है। मैंने किस सेल ने क्या करना है, किस सेल ने बड़े होके हाथ बनना है, किसने पाँव बनना है, किसने नेल, मतलब आप देखें कि अल्लाह का निज़ाम जो है वो कितना खूबसूरत है कि कहाँ क्रोमोसोम्स किस से क्या चीज़ बनती है, वो भी स्ट्रक्चर्ड है। हर क्रोमोसोम को, हर सेल को पता है कि उसने क्या करना है, उसने अगले को जो नया सेल बनाना है उसको क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, उसकी DNA में वो चीज़ शामिल है, और वो एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। ऑटोमेशन अगर आप देखेंगे ना, यानी अगर हम अपने रब की ज़ात की तरफ भी देखें तवज्जो दें, तो आप देखेंगे उसने भी हर चीज़ डिसेंट्रलाइज की हुई, स्ट्रक्चर्स करके, हर चीज़ को सिस्टमेटिक करके, उसका प्रोसेस बना के, हर चीज़ ऑटो है। तो हर चीज़ जो है वो अपने एक प्लान्ड उसके अंदर चल रही है, एक स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है। लेकिन आप एज अ नेशन देखें हम लोग क्यों पीछे हैं? हम कहते हैं यार कर लेंगे, यार हो जाएगा, अच्छा यार ठीक है। हम ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड नहीं हैं। अब नोट कर लें, अपनी जिंदगी में देख लें, अपने काम में देख लें, हम जिसे पंजाबी में कहते हैं ना वो यार डंग टपाना, हम वो वाला काम करते हैं ओवरऑल। लेकिन ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे, आप प्रॉपर जो इसकी साइंस है, जिसके प्रोसेसेस हैं, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो आप एक अच्छे ट्रेनर नहीं बन सकते। आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग का देखें मतलब क्या है। मैं ट्रेनिंग को बहुत सीरियस लेता हूँ, बहुत ही सीरियस लेता हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं बहुत से लोगों को क्रिटिसाइज भी कर देता हूँ। हालांकि मैं खुद बहुत अच्छा कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कभी कभी ओकेजनल मैं अपने आप को ट्रेनर कम कहता हूँ, पब्लिक स्पीकर ही कहता हूँ, क्योंकि मैं भी उस मियार पे पूरा नहीं उतरता, फ्रैंकली स्पीकिंग, ओपनली, राइट। ट्रेनिंग की डेफिनेशन मेरे नज़दीक ये है कि एक काम मुझे आता है बहुत अच्छी तरह आता है और मैंने दूसरे को सिखाना है,
آپ ٹیکنیکل ٹریننگ کی مثال لے لیں, چلیں گاڑی کی مثال لے لیں, میں نے گاڑی کی ٹریننگ کسی کو دینی ہے چلانے کی, تو مجھے اس کی پہلے خود ڈرائیونگ آنی چاہیے, کمانڈ ہونی چاہیے, اور جب اس کی ٹریننگ کا سیشن کمپلیٹ ہو تو ایٹ دی اینڈ آف ڈے اسے کیا آنا چاہیے, ڈرائیونگ آنی چاہیے. یہ ہے میرے نزدیک ٹریننگ, رائٹ, ایک کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ. یہ کام نہیں آتا تھا, اب وہ کام آ رہا ہے. میرے نزدیک یہ ٹریننگ ہے. اتنا سیریس آپ نے ٹریننگ کو لینا ہے کہ ایک ٹاپک ہے جیسے آج انسٹرکشنل ڈیزائن ہے, اگر آج اس کے اینڈ پہ آپ کو انسٹرکشنل ڈیزائن سمجھ میں نہیں آتا تو مینس کہ میں نے اس ٹاپک کے ساتھ یا اس پروفیشن کے ساتھ میں نے انصاف نہیں کیا, رائٹ. یہ ہے ٹریننگ کا پروفیشن. یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے بھی اس کو ایسے ہی لینا. تو انسٹرکشنل ڈیزائن جو ہے اس کو جو آپ لوگوں نے بھی ڈیفائن کیا ہے اسی کو ہم دیکھتے ہوئے اس کو اگر آپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں بھی اگر میں آ کے, جیسے میں نے بھی آ کے اسٹارٹ کیا آپ کے ساتھ, اگر میں آپ سب کو, چلے میں یوں کروں, میں آپ کو اگنور کر دیتا ہوں اور میں صرف یہاں دیکھ کے آپ چند چار پانچ لوگوں کے ساتھ اگلے ایک دو منٹ کے لیے بات کرتا ہوں, کیا ہوگا؟ یہ سائٹ اور یہ سائٹ نگلیکٹ ہو جائے گی, نمبر ون, انٹرسٹ نہیں لے گی. نمبر ٹو, اگر میں آپ کے ساتھ آپ کی فیڈ بیک بھی نہ لوں, جیسے میرے لیے جاننا بہت ضروری تھا کہ آپ نے میرے سے پہلے کیا سیکھا اور آپ کا اپنا اس ٹاپک کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے, تو ہم نے کیا کیا, آ کے انٹریکشن کی, انٹریکشن بھی کر لی, آئس بریکنگ بھی ہو گئی, رائٹ. تو یہ دو چیزیں جو ہوئیں اس سے ہوا کیا کہ ہم آپس میں انگیج ہو رہے ہیں. جو لرننگ ہے وہ ون وے نہیں ہے, ٹو وے ہے. آپ کو چیز مجھے بتائیں گے, میں نے آپ سے ہی چیزیں پوائنٹ پکڑ کے انسٹرکشنل ڈیزائن کو ڈیفائن کر دیا. یہ پوائنٹ اسٹیبلش ہو چکا ہوگا آپ کا کہ جو ٹریننگ ہے وہ یہاں سے یہاں موو ہو رہی ہے. ہم ٹرینر سینٹرک نہیں رہ رہے, ہم لرنر سینٹرک ہو رہے, رائٹ. آج کا میرا آپ کا جو سیشن ہے وہ تھوڑا سا ٹرینر سینٹرک ہوگا, تھوڑا سا لرنر سینٹرک ہوگا. آپ اگر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بات کریں تو جو ٹرینر سینٹرک ہے یہ بڑا آسان کام ہے. اس کو آپ ٹیچر سینٹرک کی طرح ہی لے لیں, جس طرح ٹیچر کلاس میں آیا, لیکچر پہلے سے پریپیئر کیا اور چلا گیا. لیکن یہ کام لرنر سینٹرک والا جو ہے نا, یہ بڑا مشکل ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں جیسے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیک گراؤنڈس کیا ہیں, تو مجھے نہیں پتہ تھی, میں نے آتے پوچھ لیں, رائٹ. تو مجھے پوچھتے ہی آپ کی شکلیں دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ اچھا, میں نے اب اپنی کمیونیکیشن کو تھوڑا سا اس طرح سے بیلنس کرنا آسان ہو گیا کہ آڈینس جو ہے وہ زیادہ میچیور ہے, اچھا مزہ آئے گا, ڈسکشن اور ٹو وے ہوگی, رائٹ. چیزیں ہم آدھی بولیں گے زیادہ سمجھ میں آئیں گی, کیونکہ آلریڈی آدھے لوگ جو ہیں وہ ٹریننگ انڈسٹری سے, ٹیچنگ انڈسٹری سے ہیں, روز یہی کام کرتے ہیں, تو بات سمجھ آئے گی, باقی پروفیشنلز ہیں, رائٹ. تو اب اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی جو کمیونیکیشن ہے, جو نیکسٹ لیکچر پلانز ہیں, اس کو تھوڑا سا موڈیفائی ہمیں لائیو بھی کرنا پڑتا ہے, رائٹ. تو آپ یہ کام تو بہت آسان ہے, آئے پلان کیا اور چلے گئے. اس کے لیے ہمیں آپس میں ڈسکشن بھی کرنی ہے اور ہمیں ماڈریٹ بھی کرنی ہے. آپ ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز اس طرح سے پلان کرنی ہوتی ہیں کہ وی نیڈ ٹو فارم اے گروپ اینڈ کنکلوڈ سم تھنگ, کہ آپ کا جو ایکسپیرینس شیئرنگ ہے وہ سامنے آتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے سے, نمبر ون. نمبر ٹو, جو بھی ٹاپک تھا میں نے یہ پلان نہیں کیا تھا کہ میں نے گروپ ایکٹیویٹی کروانی ہے, رائٹ. یعنی میں نے آپ نے جو سب سے پہلے ہم نے پوائنٹس لکھے, ہر ٹیم نے چھ چھ جو پوائنٹس لکھے, اس کا پرپز یہ تھا کہ آپ ایکچولی گروپ مینجمنٹ جو ہوتی ہے, گروپ ڈسکشن جو ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے اسی کے بارے میں بولا, رائٹ. تو امیجن کریں کہ اگر فرسٹ کر لیں کہ اگر جو آج کا میرا ٹاپک ایز اے ٹرینر یہ ہوتا, ورکنگ ان ٹیمس مینیجنگ گروپس, تو اس پہ اس اپروچ کے مطابق بھی میں یہ پوائنٹس بتا سکتا تھا,
लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस कितना था, जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं कितने पॉइंट्स होंगे ये, मोर देन 70. क्या मैं आपको वर्किंग इन ग्रुप्स या वर्किंग इन टीम के 70 पॉइंट्स बता सकता था? बहुत मुश्किल है, राइट? तो अब आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, राइट, इसको जेन में रखते हुए, लर्नर सेंट्रिक को, कि आप जो भी टॉपिक लेके मार्केट में जाएंगे उसको इसी तरह से मॉडरेट करें, राइट, और आप ऑडियंस को इंगेज करेंगे, आप ग्रुप्स बनाएंगे. ये एक्टिविटीज प्लान होती हैं, हर एक्टिविटी को आप पहले से एंटिसिपेट करते हैं कि मैंने ये एक्टिविटी करवानी, इस एक्टिविटी का रिजल्ट ये आएगा, मैंने इसे ये कंक्लूड करवाना, राइट. ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का हिस्सा होता है. एंड पे हम ये भी देखेंगे, जब आप आज यहाँ से जाएंगे तो हम ये समराइज करके उठेंगे कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, वन बाय वन, राइट. तो मैं आपको इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन और जो मॉडरेशन है और किस तरह से ऑडियंस को इंगेज करते हैं, किस तरह से लर्नर सेंट्रिक होते हैं, वो आपने बोला था, राइट, ये सब कुछ मैं आपको सिखाना चाह रहा था. तो हमारे पॉइंट्स जो इस्टेब्लिश हो गए कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए हमने जो एक्टिविटी करके देखी, हमने उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स निकाल के देख लिए कि अगर हम ट्रेनर सेंट्रिक रहेंगे तो हम एक टॉपिक के ऊपर कितना बता पाएंगे, वही जो 2900 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो तो नहीं आएगा. तो 2900 ईयर्स के एक्सपीरियंस से हमने 70 से ज़्यादा पॉइंट्स निकाल लिए इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप के ऊपर. एक रिसर्चर भी इतने नहीं निकाल सकता, वो भी किस तरह से निकालेगा, वो भी सबको जाके मिलेगा, सबसे पूछेगा, इंडिविजुअली इंटरव्यू करेगा, लेकिन वो भी अगर ग्रुप्स में जब तक नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें नहीं आएंगी. अगर यही मैं आपको टाइम थोड़ा सा और दे दूँ तो आप यकीन करें इसको 170 कर देंगे जब उसको करने पे आएंगे, राइट. तो ये बेनिफिट्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज प्लान करके करने के, ठीक है. अगर आप इसको प्लान करके करते हैं तो उसके बहुत से एडवांटेजेस होते हैं. तो आपका जो कोर है ट्रेनिंग का वो लर्नर सेंट्रिक होगा. तो हमने किया क्या इसमें, अगर आप इस पिक्चर को देखें, आई एम हेयर, मैंने यहाँ से इनपुट ली, यहाँ से इसको आप एक ग्रुप कह लें, वो ग्रुप आपस में भी कनेक्टेड है, और फिर उन सबको आपस में उनकी जो लर्निंग थी वो हमने कनेक्ट करके व्हाइट बोर्ड पर लिख दी. तो ये है एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ लर्निंग सेंट्रिक मॉड्यूल अप्रोच कह लें, जिसको हम बना सकते हैं. इस एक्टिविटी के बाद क्या आप मेरे साथ मिलके इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को डिफाइन कर सकते हैं? अगर हमने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को डिफाइन कर रहा हो आपके लिए, तो सबसे पहला वर्ड आपके जहन में क्या आता है इस सारे प्रोसेस से? दैट्स इट. आप देखेंगे कि मैंने जिस तरह आप बोलेंगे ना उसके मुताबिक तस्वीर लगाई हुई है. सो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ, आगे बोले, लर्निंग ऑफ डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज. वंडरफुल. अब आपका ब्रेन, आप नोट कीजिए कि वो जो मैंने एक्टिविटी करवाई है, आपका ब्रेन भी मेरी स्लाइड्स के साथ सिंक हो गया. नाउ द ट्रेनर एंड पार्टिसिपेंट्स बोथ आर ऑन द सेम, वी आर कनेक्टेड, आर हार्ट एंड सोल आर कनेक्टेड, राइट. अच्छा, अब इस सब का जो रिजल्ट है एक सिस्टमेटिक अप्रोच का, जिसमें हम लर्निंग थ्योरीज और टीचिंग थ्योरीज को मिला के हम जो डिज़ाइन करेंगे, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? डिलीवरी, द क्वालिटी ऑफ डिलीवरी. तो आधी डेफिनेशन होगी, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन. डेफिनेशन आप लोगों ने बनाई है, मैंने लिख के लिखा है. इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो लर्निंग थ्योरीज के ऊपर बेस करती है, उनको कंसिडर करती है, और उसका इफेक्ट जो है होता है क्वालिटी ऑफ डिलीवरी पे. तो आपने खुद इसको डिफाइन कर दिया, तो आपने लिए तालियां बजाना, राइट. अच्छा, अब जब ये हो गया, अब नेक्स्ट चीज आपके जहन में लॉजिकली क्या आती है कि ट्रेनिंग जो है, अब इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का तो हमें पता चल गया, वो अब क्या करेगी, किन चीज़ों के ऊपर बेस करेगी, ट्रेनिंग की ज़रूरत कब महसूस होती है, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि ट्रेनिंग जो है उसमें आप क्या करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग करेंटली, यहाँ से आप यहाँ का सफ़र तय करवाते हैं, व्हाट दे शुड बी डूइंग,
अभी क्या कर रहे हैं और आप उनसे करवाना क्या चाहते हैं, वो चेंज क्या लेके आना चाहते हैं, राइट? ये आपने सारा काम, ये है एक जिसे कहते हैं रोल आपका, ये टोटल दिस पार्ट. बट यू कैनॉट अचीव इट इफ यू डोंट नो व्हाट दे शुड बी डूइंग एंड वेयर आर दे राइट नाउ, व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ. जैसे आप खुद देख लें, कोई भी ट्रेनिंग हो, जो टेक्निकल ट्रेनिंग हो, आप नोट कर लें, आप किसी से फोन पे जाके पूछें तो सही, वो कहेंगे नहीं हम पहले आपको सेस करेंगे फिर बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा. कोई ये नहीं कहता जी इतना टाइम लग जाएगा, क्या जी डिपेंड करता है कि आप की अच्छा आप दो चीज़ें इसमें, ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि कितना कितना टाइम लगेगा. ओके जी, लर्नर के ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है कि वो कितना सीखेगा, किस स्पीड से सीखेगा, ये हम कैसे असेस कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं. अब हम लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है. ट्रेनर की करेक्टरिस्टिक्स तो हमने सीखनी ही है, लेकिन जब तक लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स नहीं पता होंगी तो ट्रेनर्स की थोड़ा सा उसकी तरफ ही आएंगे हम. एज अ ट्रेनर मुझे सिर्फ अपनी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पता होना चाहिए, मुझे लर्नर का भी पता होना चाहिए, ठीक है. तो एक उसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी, ये आपके सामने आ गई, राइट. और ये अगेन वही पॉइंट मैं जो बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप, मैं किसी चीज़ पर एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट्स आप खुद निकाल रहे हैं. वी आर वर्किंग ऑन अ मॉडल ऑफ वो लर्नर सेंट्रिक, ठीक है. मैं कुछ नहीं बता रहा, आप खुद ही ड्राइव कर रहे हैं चीज़ें, राइट. ये आपको एक मैं डेमो भी करके दिखा रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि आपने किस तरह से ट्रेनिंग्स को फैसिलिटेट करना. जो टीचर्स हैं आप जब ये क्लास में जाके करके देखेंगे तो आपको बच्चे अमेजिंग रिस्पांस देंगे, आपकी क्लास इंगेज हो जाएगी, वो पीछे वाला भी इंगेज रहेगा, राइट. अब होता ये है, तीन तरह के लर्नर्स होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लर्नर्स. अनटिल एंड अनलेस वी नो के एक लेक्चर हॉल में, एक ट्रेनिंग हॉल में तीन टाइप ऑफ लर्नर और ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तब तक हम काम नहीं कर सकते. अब ऑडिटरी लर्नर क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप कहीं दूसरे सिटी चले गए, आप अकेले हैं, दूसरे कंट्री चले गए और आपको खाना पकाना नहीं आता, तो आप कहीं अपनी वालदा को या बहन को फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि मुझे रेसिपी बता दो, वो आपको रेसिपी बताती जाती हैं और आप बना के चीज़ वो गए शान मसाला. अगर आपको इस तरह से रेसिपी समझ आती है सुन के, तो आप ऑडिटरी लर्नर हैं, राइट. ऑडिटरी. और अगर आप कहते हैं यार मुझे नहीं पता क्या बता रहे हैं, बस लिख के भेज दो व्हाट्सएप कर दो, आप करते हैं ना ऐसे, नहीं यार ये मुझे बता रहे हैं ना, सुनेंगे नहीं. आज मैं किसी को एड्रेस बता रहा था, मैं नहीं आप मुझे मैसेज कर, मैं सुन लो, ठीक है, फिर मैसेज ही करवाया वो, क्योंकि वो ऑडिटरी लर्नर नहीं है, राइट. यानी अब आपने क्या करना है कि क्लास में बच्चों पे गुस्सा नहीं करना, अगर किसी को आपको लेक्चर समझ नहीं आ रहा तो उसका कसूर नहीं है, उसकी टाइप ऑडिटरी नहीं है, ठीक है, उसकी टाइप ही ऑडिटरी नहीं है. तो दूसरे वाला जो है वो कहता है कि यार मुझे ना नहीं समझ आ रहा, मुझे काम करें आप, या व्हाट्सएप करें या करके दिखाएं, कुछ रीड करके पढ़ लेते हैं उनको समझ आ जाती, ठीक है. अच्छा फिर कुछ होते हैं जो रीडिंग के साथ ही जो कहते हैं कि यार आप ना हमें, मैं इसको एक को दो में स्प्लिट कर रहा हूँ, राइट. हम इसको चार टाइप्स पे कंक्लूड करेंगे, तो एक ऑडिटरी कर लें, एक रीडिंग वाली कर लें, और तीसरा जो है ना वो कहता है कि मुझे आप करके दिखाएं, मुझे ना जाकिर साहब की या उसबैदा आपा की वीडियो दिखाएं, वो बनाते हैं कैसे, ठीक है, विजुअल लर्नर कि देख के उसको, आपको ऐसे स्टूडेंट को आपको डिमॉन्स्ट्रेशंस करके दिखानी होंगी, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने होंगे, राइट, कि चीज़ कैसे होती है. मैं इनमें से था तो मैंने करके दिखाओ. ये जानना क्यों ज़रूरी है कि क्लास में अगर 70 लोग हैं तो 70 में से अभी हम करते भी हैं तजर्बा, आप देखेंगे कि चारों तरह की कैटेगरीज के लोग निकल आएंगे, राइट. तो अगर मैं एक ही मोड रखूँगा तो क्या होगा, एट द एंड दो चीज़ें साबित होंगी. मेरी तरफ से मैं ये साबित करने की कोशिश करूँगा जी आधी क्लास में लाइक थी, आप ही साबित करने पड़ेंगे इसको पढ़ा देंगे आप, राइट. जो ऑडिटरी होंगे उनको मेरा लेक्चर सुन के समय लग जाएगी, जो ऑडिटरी लर्नर्स नहीं थे वो कहेंगे नहीं इसको पढ़ाना ही आता, ठीक हो गया. सो मैंने क्या करना है कि मैंने दोनों चार तरह के लर्नर्स को उनका ख्याल करना है
और मुझे मिक्स टाइप करके बतानी है, ठीक हो गया। तो तीसरा जो है वो क्या है, विजुअल लर्नर है कि मुझे यार करके दिखा दो। और चौथा जो कंक्लूड करते हैं वो कहता है कि यार मुझे नहीं समझ आ रही, मैं करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वो कर करा के फिर कहेगा हाँ यार थोड़ा सा मसाला तेज़ हो गया, थोड़ा सा ये जल गई, थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन वो बना के करके सीख देगा। ये वो लोग होते हैं जो अच्छे भी, यानी पॉजिटिविटी भी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये एक आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट होता है, ठीक है, एक आपकी मोबिलिटी बन जाती है, नेचुरल होती है। तो ये नुकसान थोड़ा सा ये उठाते हैं कि किसी के तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाते, ये वो होते हैं जो गलती करके सीखते हैं। तो यहाँ तक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई। अब जब आपको ये सारी चीज़ें आइडिया हो जाती है ना कि वो कहाँ पे है, हम कहाँ पे हैं अभी, करंट उस कहाँ पे और हम इसको पहुँचाना कहाँ पे, ये जब क्लियर हो जाए फिर इसके बाद आप उसको इसको टूल्स पे लेके जाते हैं कि हमारी ट्रेनिंग डिलीवरी क्या होगी, हम इसकी डिलीवरी करेंगे किस तरह से, राइट?